द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। हमास और इजराइल की जंग में इजराइल तबाह होता दिख रहा है। हमास को इजराइल जो है वो छू भी नहीं पा रहा। मुट्ठी भर हमास के लड़ाकों को इजराइल के सैनिक, इजराइल की आर्मी, इजराइल की सुपर पावर उन्हें हरा नहीं पा रही, ना ही उन्हें खत्म कर पा रही है। यही वजह है कि इजराइल का लगातार नुकसान हो रहा है और इसकी एक और तस्वीर सामने आ गई है। हम लगातार ही आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जिसमें इजराइल का किस तरह से इस जंग में नुकसान हो रहा है। इजराइल के सैनिक मारे जा रहे हैं, इजराइल के टैंक तबाह हो गए हैं, नष्ट कर दिए गए हैं। अब एक और तस्वीर आ गई है गाजा पट्टी से, जिसमें कहा जा रहा है कि इजरायली सैनिकों के जो बख्तरबंद वाहन और टैंक है वो हमास ने पूरी तरह से नष्ट कर दिए हैं, डैमेज कर दिए, क्षतिग्रस्त हो चुके हैं, जिसके बाद उन्हें वहां से हटाया जा रहा है। कई तस्वीरें सामने आई हैं। इन तस्वीरों में आप देखेंगे कि किस तरह से गाजा पट्टी में हमास के लड़ाकों ने, अलकसम ब्रिगेड के लड़ाकों ने इजरायली सैनिकों का क्या हाल किया और साथ ही उनके टैंकों का क्या हाल कर दिया है। ये वीडियो जो है मिडल ईस्ट ऑब्जर्वर ने ट्विटर पर शेयर किया है। वीडियो शेयर करते हुए यहाँ बताया गया है कि गाजा में भीषण लड़ाई के दौरान क्षतिग्रस्त इजरायली टैंक के परिवहन और निकासी के नए दृश्य, यानी कि यहाँ पर बताया गया है कि जो क्षतिग्रस्त टैंक है उनको किस तरह से वहां से निकाला जा रहा है, इसकी तस्वीरें हैं और ये तस्वीरें नई बताई जा रही हैं। क्योंकि हमने इससे पहले भी तस्वीरें देखी हैं जिसमें इजराइल के टैंक को गाजा पट्टी से दूर ले जाते हुए दिखाया गया था और यहाँ पर भी एक के बाद एक टैंक जो है वो लाइन लगाकर गाजा पट्टी से दूर लेकर ले जाए जा रहे हैं क्योंकि वो पूरी तरह से डैमेज हो चुके हैं। तो यहाँ पर वीडियो का पहला हिस्सा आप देखेंगे जिसमें आपको दिखेगा कि किस तरह से उनके टैंकों का क्या हाल हमास के लड़ाकों ने कर दिया है और वहां पर अब इजरायली जो है अपने डैमेज टैंक को वहां से लेकर जा रहे हैं। ये वीडियो आपने देखा, अब वीडियो का आपको दूसरा हिस्सा भी दिखाते हैं। इसमें आप देखेंगे कि टैंक को जो है किस तरह से वो क्रेन से और चेन से बांधकर जो है उसे उठाया जा रहा है ताकि उसे वहां से ले जाया जा सके। इस बीच आप टैंक की हालत पर गौर करिएगा। आप ये जो वीडियोस देख रहे हैं इनमें आप आसपास के दृश्य और जो इजरायली वाहनों का हाल किया है, जो टैंकों का हाल किया है, बख्तरबंद वाहनों का हाल किया है, उनका हाल देखिएगा कि किस तरह से उनके परखच्चे उड़ा दिए हैं और वो पूरी तरह से डैमेज हो चुके हैं। देखिए तस्वीरें। यहाँ पर ये तस्वीरें भी आपने देखी, अब आपको दिखाते हैं कि किस तरह से इन टैंकों को लाइन लगाकर ले जाया जा रहा है। एक तस्वीर और सामने आई है, इस तस्वीर को भी मिडल ईस्ट ऑब्जर्वर ने ही शेयर किया है। मिडल ईस्ट ऑब्जर्वर ने शेयर करते हुए बताया कि मोर डैमेज इजरायली टैंक्स, यानी कि इजरायली टैंकों को और अधिक नुकसान पहुंचा है, और भी ज्यादा क्षतिग्रस्त इजरायली टैंकों को वहां पर देखा गया है। तो ये वीडियो जो है वो कार से वीडियो बनाया गया है और इस वीडियो में आप देखेंगे कि यहाँ पर एक के बाद एक लाइन लगाकर क्षतिग्रस्त टैंकों को गाजा पट्टी से दूर लेकर ले जाया जा रहा है। अब इन टैंकों का हाल क्या है ये तो आप देखिएगा, और इन टैंकों का हाल किसने ऐसा किया, जाहिर सी बात है कि हमास के लड़ाकों ने, अलकसम ब्रिगेड के लड़ाके, गाजा पट्टी पर जो जमीन लड़ाई इजरायली सैनिक और हमास के लड़ाकों के बीच चल रही है उन्होंने ये हाल किया है। इन टैंकों का हाल देखकर आप जंग में इजरायल का हाल समझ सकते हैं। देखिए तस्वीरें। तो वीडियो आपने देखा कि किस तरह से उसमें हमास के लड़ाकों ने उनके वाहनों को इतनी बुरी तरह से डैमेज कर दिया है कि उनको वहां से उठाकर ले जाना पड़ा क्योंकि अब उनका कोई काम नहीं है। तो इन टैंकों की हालत देखकर आप इतना अंदाजा और इतना समझ सकते हैं कि जमीन पर जो लड़ाई चल रही है वहां पर इजराइल का क्या हाल होगा। यही वजह है कि इजराइल की तरफ से सुलह की पेशकश भी की जाती रही है और यही वजह है कि इजराइल की तरफ से लगातार जो है वो हमास के सामने घुटने भी टेके जा रहे हैं, कभी अपने बंदकों की रिहाई के लिए तो कभी अपने सैनिकों की रिहाई के लिए। गाजा पट्टी में जो भीषण लड़ाई दोनों के बीच, भीषण संघर्ष जो दोनों के बीच चल रहा है, उसकी कई तस्वीरें हमने देखी हैं और ये भी देखा कि किस तरह से हमास के लड़ाके इजरायली सैनिकों पर भारी पड़ रहे हैं। इससे पहले भी एक तस्वीर और सामने आई थी, पत्रकार जर्नलिस्ट आर्या ने यहां पर इस वीडियो को शेयर किया था। आप अपनी स्क्रीन पर उनका ट्वीट देख रहे हैं। यहां पर इन्होंने इस वीडियो को
शेयर करते हुए लिखा था कि मरकवा टैंक को गाजा पट्टी से दूर ले जाते हुए देखा गया है, क्योंकि गाजा पट्टी के अंदर क्षति के कारण ये निष्क्रिय हो गया, यानी कि ये पूरी तरह से डैमेज हो गया, इसको इतना नुकसान पहुंचा कि ये डैमेज हो गया। अपनी स्क्रीन पर आप वो तस्वीरें देख रहे होंगे कि किस तरह से उसको जो है टैंक, मरकवा टैंक को जो है इसराइली उसे गाजा पट्टी से दूर लेकर ले जाया जा रहा था। इससे पहले आपने देखा कि हमास ने इसराइली शहर में हमले भी किए और उन हमलों की तस्वीरें भी देखी किस तरह से वहां पर तबाही मच गई। तो कुल मिलाकर हमास ने इसराइल में तहलका मचा रखा है, जमीनी लड़ाई पर भी इसराइल पर हमास भारी पड़ रहा है। वैसे तो ये कहते हैं कि मुट्ठी भर हमास है, लेकिन सवाल है कि इनकी हाईटेक आर्मी, इनकी सुपर पावर आर्मी मुट्ठी भर हमास को खत्म क्यों नहीं कर पा रही और मुट्ठी भर हमास के सामने इतनी बेबस क्यों दिख रही है। इसराइली सैनिक लगातार अपनी जान गंवा रहे हैं, इसराइल में जो हमले हो रहे हैं उसमें भी नुकसान हो रहा है, इस तरह से अफरा तफरी मची हुई है। लगातार तमाम देश भी इसराइल को चेतावनी दे रहे हैं और इसराइल क्या कर रहा है, इसराइल लगातार गाजा पट्टी में मासूमों की जान ले रहा है, अस्पतालों को निशाना बना रहा है, स्कूलों को निशाना बना रहा है, यहां तक कि किस तरह से उसने उनका दाना पानी भी बंद कर दिया, कम्युनिकेशन के सारे रास्ते भी बंद कर दिए हैं। तो यहां आप देख सकते हैं कि किस तरह से हमास जो है इन सारी हरकतों का जवाब इसराइल को दे रही है और इसी का नतीजा है कि इनके टैंक, इनके बख्तरबंद वाहन, इनके सैनिक जो है उनका किस तरह से नुकसान हो रहा है। एक टैंक का नुकसान होना यानी कि एक दिन में $1 बिलियन का नुकसान होना, ऐसे में इसराइल कितना नुकसान झेल रहा है हमास से जंग में, ये भी आप अंदाजा लगा सकते हैं। वैसे ही इसराइल जो है कर्ज में डूबा है, अमेरिका जो उसको पावर दे रहा है, जो उसको आर्थिक मदद कर रहा है, उसको फाइनेंशियल सपोर्ट दे रहा है, उसका भी हाल कुछ ज्यादा अच्छा नहीं है। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं कि दोनों जो है लगातार गाजा पट्टी पर नरसंहार कर रहे हैं और इसी के साथ यहाँ पर ये भी ये जानते हैं कि इनके पास इतनी ताकत या इतने पैसे नहीं है कि वो इस जंग को ज्यादा लंबा खींच पाए। जंग को 40 दिन 42 दिन से ज्यादा हो चुके हैं, 7 अक्टूबर को ये पूरी जंग शुरू हुई थी, उसके बाद से ही लगातार जो है इसराइल गाजा पट्टी पर बमबारी कर रहा है और हमास भी लगातार इसराइल के शहरों को निशाना बना रहा है। इसी के साथ हमास ने जो इसराइली शहरों पर हमले किए आप उसकी भी तस्वीर देखिए। यहाँ पर अमरीश मिश्रा का ट्वीट है जिसमें उन्होंने बताया है कि हमास ने कुछ ही घंटे पहले इसराइल के अंदर अस्कलान एरिया में जो मिसाइलें दागी उसने तबाही मचा दी। आप तस्वीरों में देख ही रहे होंगे किस तरह की तबाही है। इसी के साथ यहाँ पर बताया गया कि हमास ने इसराइल के भीतर अस्कलान में मिसाइल से वॉर किया। हमास अल यासीन 105 शेल से गाजा शहर के उत्तर पश्चिम में इसराइली सैन्य वाहक को निशाना बनाया। तो यहाँ आप देख ही रहे कि वाहक को निशाना बनाया तो वही जो उनके वाहन है उसका क्या हाल हो रहा है और जो उसमें मौजूद है इजरायली सैनिक उनका क्या हाल हो रहा है। हमास ने गाजा शहर के उत्तर पश्चिम में 2 इजरायली टैंकों और बुलडोजर को टैंडेम शेल से निशाना बनाया। हमास ने गाजा डेर अल बलाह में पूर्व से प्रवेश करने वाले इजरायली वाहनों के जमावड़े पर मोर्टार से गोले से बमबारी की। इससे पहले हमने देखा था कि किस तरह से हमास ने इजरायली सेना की सभा पर ही बमबारी कर दी। तो ये सारी तस्वीरें हैं जो दिखाती हैं कि किस तरह से हमास इजरायल पर भारी पड़ रहा है और इजरायल पर हमास ने कोहराम मचा रखा है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि किस तरह के हालात हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इसराइल जो है वो पीछे हटने को तैयार नहीं है। उसका इतना नुकसान हो रहा है, उसके सैनिक मारे जा रहे हैं, उनके लोगों को कष्ट हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी बेंजामिन नेतन्याहू लगातार गाजा पर नरसंहार कर रहे हैं। आप इस खबर को लेकर क्या सोचते हैं? जिस तरह से तस्वीरें सामने आ रही हैं गाजा पट्टी से जहां पर इजरायली सैनिकों के वाहन जो है वो तबाह हुए, इसे लेकर क्या राय रखते हैं? हमें कॉमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। द लाइव टीवी सच सबसे आगे।